नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी, मैं हूं आपके साथ तफीसा। ब्रिजभूषण और पहलवानों के बीच का विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, रोज नया मोड़ पूरे इस मामले में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसी दौरान एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता देते हैं। साक्षी मलिक यानी कि तमाम पहलवानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है, सोनीपत में जब महापंचायत होती है कि वो अपने धरने पर 15 तारीख से वापस लौट जाएंगे अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, और मांग वही है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे में बातचीत हम लगातार वकीलों से कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, सुरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। क्या ऐसा मुमकिन है पहले संगीन आरोप लगा दिए जाएं और उसके बाद बयान बदल दिए कि ये भावना से किया गया, बदले की भावना थी, और यहां तक कि अब सिर्फ शिकायत हमें जो है वो भेदभाव की है, यानी कि यौन शोषण का मामला कहीं नहीं। देखिए, अगर कोई भी विक्टिम है, उन्होंने स्टेटमेंट कुछ दिया है, प्रथम दृष्टता में उसकी जो स्टेटमेंट है जिसपे 154 में स्टेटमेंट होती है, उसमें जब FIR दर्ज हो गई है, हमें जो इसका पहलवानों के इशू में देखने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रथम दृष्टता में कोई भी FIR नहीं दर्ज किया था, और ये आदरणीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही FIR दर्ज हुई है इसमें। तो ऐसे में कानून को अपना काम करना चाहिए और करने देना चाहिए पहलवानों को। इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर कोई भी रिट्रैक्शन आती है, किसी भी विक्टिम ने अगर कोई अपने स्टेटमेंट में इम्प्रूवमेंट किया है, कोई कॉरोबरेशन दिया है या कोई रिट्रैक्शन किया है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी या उसकी इनएडमिसिबिलिटी वो IO ने देखनी होती है कि इसकी जो वैल्यू क्या है, इसकी स्टेटमेंट की वेरासिटी क्या है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, अगर किसी विक्टिम ने अपनी जो 154 में स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को भी गॉस्पल ट्रुथ माना जा सकता है, और उस स्टेटमेंट को भी पूरा का पूरा सी स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता कि वो उस समय कोई भी कारण रहे होंगे कि उस समय विक्टिम नहीं बता पाता है हर चीज़ें, तो इसलिए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है 161 में। तो उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आती है तो उसकी कॉरोबरेटिव वैल्यू की IO इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं उसको जाँच करते हैं, उस जाँच के बाद ही चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्जशीट बनती है, और अगर नहीं बनती है तो उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है। सर, यौन शोषण के तहत ही पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है ब्रिजभूषण पर, अब जब नाबालिग अपने बयान से पलट रही है तो क्या पॉक्सो एक्ट बरकरार रहेगा या फिर उसके हटने के चांसेस है अभी? पॉक्सो एक्ट तो बरकरार है, पॉक्सो की जो एक्यूजेशन है वो भी बरकरार है। अब ये देखना ये है कि जो स्टेटमेंट जो विक्टिम ने अभी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया है वो 164 की स्टेटमेंट है, वो जज साहब के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसमें उसकी रिट्रैक्शन है या वो अपनी स्टेटमेंट को कॉरोबरेट कर रही है या नहीं कर रही है, जाहिर तौर पर इसकी जो बेनिफिट है वो एक्यूज को मिलता है, और वो देखा जाता है कि चार्जशीट में, और इसमें ऐसा नहीं है कि चार्जशीट नहीं फाइल होगी, अगर 161 में और दोनों चीज़ों में कंट्रडिक्शन है उसके स्टेटमेंट में, तीन तरह की स्टेटमेंट होगी, एक 154 में स्टेटमेंट जिस पर FIR दर्ज हुई, एक 161 की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, और एक 164 की स्टेटमेंट बिफोर द जज जुडिशियल ऑफिसर। अगर तीनों में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है और उसकी कॉरोबरेटिव वैल्यू अगर है, कॉरोबरेशन साथ में एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो उसके बेस पर भी कन्विक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कन्विक्शन नहीं होगी, वो देखा जाएगा कि उसकी रिट्रैक्शन की वेरासिटी क्या है, क्या वो दबाव में वेरासिटी चेंज हुआ है, सरकमस्टेंशियल है, क्या चीज़ है, ये चार्जशीट के बाद ही पता लग पाएगा, या अगर कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की है तो भी जो भी विक्टिम है और उनके परिवार के लोगों को उस पर वो नहीं करना चाहिए शक या शोभा, उनको राइट मिलता है, वो प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। जी सर, दो बयान सामने आ चुके हैं, नाबालिग के यौन शोषण और फिर भेदभाव की शिकायत, तो ऐसे में अंतिम बयान कौन सा माना जाएगा, ये किसके हाथ में फैसला है, क्या इसका फैसला कोर्ट करेगी, कि तवज्जो किस बयान को दी जाए ज़्यादा? तवज्जो तो पहले बयान को दी जाती है कि पहली जगह पर जो प्रथम दृष्टया में, जिसको हम 154 के बयान कहते हैं, 154 सेक्शन है जिसमें FIR दर्ज की जाती है, जिसमें पुलिस तहरीर रिकॉर्ड करती है, उसी की वेरासिटी को हम बेस मानते हैं। अगर कोई सच्चाई है तो सबसे पहले सच्चाई का बयान आ जाता है, और उसके बाद कोई चलती है तो वो इम्प्रूवमेंट होती है, अगर इम्प्रूवमेंट की कॉरोबरेटिव वैल्यू नहीं है तो, और अगर कोई सच्चाई में कोई बात कहने से भूल गया है तो वो उसको एक्सप्लेन कर देता है अपनी स्टेटमेंट में सप्लीमेंट्री में। तो ऐसा नहीं है कि अंतिम बयान को सच माना जाता है, सारे बयानों को इवैल्यूएट किया जाता है, और इसीलिए विक्टिम को और विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है कि आपने जो भी कह दिया अब आप कोर्ट के सामने भी निर्भीक रूप से अपना बयान दे सकते हैं, और एक्यूज को जो भी उसमें मुलजिम हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि वो सच दूध का दूध पानी का पानी कर सकें, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें,
प्रोसिक्यूशन उनको री एग्जामिन कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों में अंतिम बयान को मान्यता दी जाती, ऐसा नहीं है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो ब्रिजभूषण पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उसको अगर वो तवज्जो दे, उसको माने, तो फिर क्या ब्रिजभूषण के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगे? हालांकि गिरफ्तारी की मांग तो अभी भी उठ रही है। देखो, गिरफ्तारी की मांग पहलवानों को नहीं करनी चाहिए जी। पुलिस का प्रेरोगेटिव है कि किसी आदमी को गिरफ्तार करे या ना करे, और आजकल तो नंबर ऑफ जजमेंट्स भी हैं, और 7 साल तक के जिस केसों में सजा है उसमें उनकी राय, उनके पास प्रेरोगेटिव है, वो सेक्शन 41A है, उसका नोटिस दे के उनको बुला सकते हैं। तो अरेस्ट की जहाँ तक बात है, कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं कि इसको अरेस्ट करें, इन लोगों को तो इन्वेस्टिगेशन का साथ देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री होना चाहिए, उसकी डिमांड करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल हो सके और मुलजिम को कटघरे में खड़ा किया जा सके। और अगर मुलजिम बेगुनाह है तो बच जाएगा, अगर उसने गुनाह किया है तो इसको कोई भी अदालत बचा नहीं पाएगी। सर, देखिए, इस बीच एक और चीज़ जो लगातार सामने आ रही है, पहलवानों की ओर से ट्वीट किया जा रहा है कि डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, गिरफ्तारी ना होने की वजह से जो पहलवानों का मामला है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक्विजिशन आज की नहीं है, ये एक बीते सालों की है। जब कभी किसी गेम में गए, किसी उसमें टेस्ट में खेल रहे थे, कोई अपना उनका ट्रायल हो रहा था, उस समय की बातें हैं। उस व्यक्ति विशेष ने जब इतने लंबे सालों में किसी को डराया धमकाया नहीं, आज उसके ऊपर एक FIR दर्ज है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी गलती वो ब्रिजभूषण करेंगे कि वो किसी को धमकाएंगे या किसी की तरह की छेड़छाड़ करेंगे। और जहां, और ये जो आरोप ऐसा है, ये आरोप इंडिविजुअल के का आरोप है और इंडिविजुअल विक्टिम है इसमें, और विक्टिम अगर कोई उसको लग रहा है कि कोई उसको डरा धमका रहा है या उसके परिवार को डरा धमका रहा है, तो कानून के दरवाजे खुले हैं, कंप्लेंट और क्यों नहीं देते उनके खिलाफ कि आज फलाने नंबर से मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे डराया, आज मुझे उसने धमकाया, आज मुझे किसी मंत्री ने धमकाया, किसी सांसद ने धमकाया, ऐसा बताएं ना आप। ऐसी स्टेटमेंट किसी की नहीं है। आप बिल्कुल कहते रहे कि डर का माहौल है, भय का माहौल है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में कानून का राज है, यहाँ डर और भय का माहौल नहीं बन सकता। सर, अगर देखा जाए कोई भी मामला हो जिसमें कोई झूठा केस दर्ज कराया जाए, वो भी यौन शोषण के तहत, यानी कि पॉक्सो एक्ट लग जाए, तो क्या कार्यवाही उस नाबालिग लड़की पर होगी या फिर नाबालिग के अभिभावकों पर, और कानून किस तरीके से काम करेगा? ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। देखो, नाबालिग के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जुवेनाइल बच्चे होते हैं वो। हाँ, उनके अभिभावकों को उस पर लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अगर वो किसी झूठे चीज़ को प्रेशराइज करके सच्चाई में बदलना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें क्लियर है, कानून उसमें कुछ नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और रहा बात जहाँ तक पॉक्सो में माइनर चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड बच्चे कभी, बच्चों में भगवान बसते हैं, तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो उनकी बातों को सच्चाई से देखा जाता है और कोर्ट उसको जानना चाहती है। उसका यही चीज़ है कि उसकी कॉरोबोरेशन वैल्यू क्या है। मेडिकल में भी कॉरोबोरेटिव वैल्यू नहीं आ रही, मेडिकल में कोई इंजरी मार्क नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई स्लाइट रेडनेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में उसका जो बेनिफिट है वो एक्यूज को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी मतलब ब्रिजभूषण के लिए कहीं ना कहीं राहत आप देख पा रहे हैं या फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये चार्जशीट के बाद ही मैं बता पाऊँगा, या कैंसलेशन रिपोर्ट या चार्जशीट दो भी है, उसके पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। सर, एक और चीज़ हमने कल देखा, दिल्ली के अंदर जिन महिला पहलवानों ने शिकायत की उसमें से एक महिला पहलवान संगीता फोगाट को ब्रिजभूषण की आवाज़ पर ले जाया गया, क्या ऐसे किसी एक्यूज को ले जाकर जांच की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन रिक्रिएशन की जा सकती है? उनकी निशानदेही पे साइट नक्शा बनाया जाता है, साइट प्लान बनाया जाता है, ताकि उनकी जो कॉरोबोरेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस उन चीज़ों को रिक्रिएट करना चाह रही है, समझना चाहती है कि आपके साथ ये हादसा किस परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, तो उसको रिक्रिएट कीजिए, क्या करते हैं उसको बोलते हैं, और उसके इंस्टांस पे, कंप्लेनेंट के इंस्टांस पे, विक्टिम के इंस्टेंस पे ही नक्शा बनाया जाता है कि इस नक्शे में, इस घर में, इस जगह पर मेरे साथ ही वाकया घटा, ऐसी हरकत हुई, तो उसको रिक्रिएट कर सके पावर है। यहाँ पर एक और पहलू ये है ना कि पहलवानों की ओर से कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण इतने ताकतवर नेता बन चुके हैं,
जो वो पॉक्सो के तहत भी गिरफ्तार अभी तक नहीं हो रहे, कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, कानून पुलिस सबको वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली में कोई भी पुलिस को मैनेज कर सकता है और इस तरह से कानून को मैनेज किया जा सकता है। ये हाईलाइटेड केस वैसे है, इसमें कोई भी जो अधिकारी है वो इससे दूर ही रहेगा। और ब्रजभूषण शरण जो हैं वो सांसद हैं, अध्यक्ष भी हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी कोई छेड़छाड़ कर सके। दिल्ली शहर है, यहाँ पर हर चीज़ दो मिनट में ओपन हो जाती है, तो ऐसा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र चौहान हमारे साथ थे, जिनसे हम समझ रहे थे कि पहलवानों का ये पूरा मामला अब किस और बढ़ने वाला है। हालांकि पहलवानों की ओर से अभी भी ये साफ कर दिया गया कि 15 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो फिर से धरने पर बरकरार होने वाले हैं, फिर से धरना देने वाले हैं। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी की मांगे फिर से उठ रहे हैं। पहलवानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।